स्वागत हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं मार्केट से, क्योंकि अभी आया हूँ मैं मार्केट करना है शॉपिंग। आज हम लोग जा रहे हैं बोलो चिड़का जा रहे हैं हम लोग। अभी तो फिलहाल ड्रेस लेने जा रहे हैं, ड्रेस लेने जा रहे हैं अपने शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं साथ में चिड़का। तो ये वाला बुक किया ना, भगवा लो, भगवा भगवा गमछा बेबार टांगा। तो फाइनली मेरा शॉपिंग हो गया, बहुत देर घूमा हम लोगों ने मार्केट, उसका फाइनली अभी शॉपिंग हो गया। और अभी करीब बज रहे शाम की 6 तकरीबन, और मेरे को जाना भी है, बस आधे घंटे के अंदर निकलेंगे जा रहे, नहाऊंगा मैं पैरिस से। और आप लोगों को बता दूं कि मैं जहां जा रहा हूं चिड़का मतलब कहे तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और हम लोग पैदल जाएंगे अप्रोक्स कितना किलोमीटर में, यहाँ साइड लगा मैं स्क्रीन लगा दूंगा, लगभग उतना किलोमीटर मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। हम लोग अभी जाएंगे उसके बाद जल ढालेंगे। तो अभी मेरा शॉपिंग फिलहाल हो गया है, इसमें मेरा कपड़ा है, तो मैं सीधा अब आपको तैयार होकर मिलता हूँ। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। ये वाइट कलर टी शर्ट, इसमें महाकाल लिखा हुआ, और बाकी वाइट रंग का हाफ पैंट, और बस रेडी है और हम लोग निकलेंगे। तो चलिए अब आपको मैं अपने सारे लोगों से मिलवाता हूँ। और हम लोग अब निकल चुके हैं, ये मंजीत, ये हम लोग के माननीय भोला भैया जी, और ये चिंटू, और ये मैं, और अभी हम लोग निकले हैं। बहुत मजा आने वाला है, चेक कर ले 30 किलोमीटर है कि 30 किलोमीटर बोल बम। तो अभी हम लोग चेक पोस्ट में है, निकले इसको ऊपर बांधेंगे और टिकट लगाना है। और अभी हम लोग आ गए हैं गरगा नदी जल उठाने के लिए। अब यहाँ जल उठा के लगभग 35 किलोमीटर होगा यहाँ से दूरी, और पूरा अंधेरा इधर पे। सो फाइनली हम लोग अब जल लेके निकल चुके हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। DJ Fish Production. बाकी है।
तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट बंगाल के पास है, झारखंड का बॉर्डर यहाँ खत्म हो जाएगा। अभी रात करीब 11 बज चुके हैं। कितना किलोमीटर पार किया बोला फिर? 24 किलोमीटर तकरीबन चल चुके हैं वो 7.5 से। हालत खराब है मेरा भाई, नहीं हालत खराब। और अभी हम लोग पार कर रहे हैं ये जायका रिजोर्ट, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे होगा बंगाल का बॉर्डर। पूरा हालत खराब हो चुका है हम लोग, मेरा तो खास तौर पर। हाँ मेरा तो नहीं हुआ, लगभग लगभग 25 किलोमीटर चले आए हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है, ये मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। उसको बोलते हैं चलो दौड़ने तो बोलता नहीं जाएंगे सूतेंगे, क्या होगा सारा गलती इंसान का। मैं आप लोगों को रुको आगे मिलाता हूँ। तो फाइनली चलते चलते हम लोग आगे बंगाल का बॉर्डर, बोकारो वन परमंडल, बोकारो सीमा पर, ये झारखंड यहाँ से ख़त्म होने को अब। और हम लोग कुछ देर में अब कर जाएंगे बोकारो बंगाल की सीमा में प्रवेश। हम जो विलन की बात करते हो, ये विलन है बोला भैया, मैंने उन्होंने इनके बारे में बताया कि ये हमारे माननीय भोला भैया, ये नहीं बताया कि आर्मी मैन है। इतना दुरा दुरा गला है कि हालत ख़राब हो गया है, पूरा हालत ख़राब है हम लोगों का इनकी वजह से। केवल ये आखिरी बोकारो का सीमा समाप्त होता है यहाँ से और सामने बंगाल शुरू, इसके बस एक कदम के बाद बंगाल है यहाँ से, ये बंगाल शुरू और सामने फिर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। यहाँ से ट्रेन घूमने की हिम्मत नहीं बचा था तो वही सब होगा सारे वीडियो में। और हम लोग पार कर रहे हैं पिघलिया के रेलवे फाटक को, और यहाँ से जो है तो रोड का जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है झारखंड के अकॉर्डिंग। जो सुविधाएं हम लोग को झारखंड में मिली थी वो बंगाल में मिली हम लोग। रोड ही बहुत ख़राब था यहाँ का। और अब यहाँ से हम लोग इरका की बस्ती में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे श्री गोरीनाथ का मंदिर है और ये बस्ती का प्रवेश है। आप लोग को हमारे चेहरे से पता चल रहा होगा कि इतनी हालत खराब हो चुकी है हम लोगों की। और यहाँ पे कहें तो रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और लग ही नहीं रहा का माहौल देखिए रात को 1:30 बजे हो गया। यहाँ पर जमीन भी बैठ गया था और भुला के हमारे अंकल का सामान ले रहे थे, तो बहुत अच्छा खासा भी आपको देख रहे वीडियो में। और अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके, लगभग 42 किलोमीटर की यात्रा तय करके, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लगभग रात के यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 1:30 से 2। और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ है देखो। और यहाँ पर हम लोग संकल्प पूजा का जो होता है उसको हो गया। यहाँ पर हम लोग पंडित जी ने बल कर दिया हाथ में, उसके बाद हम लोग आचरण कर रहे हैं।
पंडित जी ने कहा कि हम लोग अपने नारियल को फोड़ के और नारियल को फोड़ के जिस जल को हम लोग लिए क्या है उस जल में हम लोग यहाँ पर अपने नारियल को फोड़ेंगे और इस जल के अंदर कश्यप मुनि इतना भीड़ चोरों से सावधान रहे, पॉकेट मारों से सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो चुके थे, बहुत सारे लोग सामान बेचपुर लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा था। और अब हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और जल धारेंगे। अब लगभग रात के 2 बज चुके हैं। अभी रात के समय मंदिर किस तरह दिखा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ भी दिखाता हूँ सुबह का मंदिर किस तरह दिखता है। और हम लोग मंदिर के अंदर जल यहाँ पे शिव जी के लोग ढाल चुके हैं 2:30 बजे करीब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फाइनली अभी मैं अपना चार्ज पहुंचा हूं। ये देखो चार्ज। अरे मंजीत, मंजीत कैसा लगा ये बताओ? एक नंबर, ऐसा मजा कहीं नहीं मिला है। ये देखो ये पैरों का हालत। भाई बाबा बोलते दर्शन देंगे, यहाँ दर्शन हम लोग का जाता है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, वीडियो ज़्यादा नहीं किया। 2:30 बजे करीब जल ढाला हम लोगों ने, उसके बाद सामान वामान लिया, प्रसाद उरसाद, और फिर हम लोग निकल गए हैं थे। और अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी घर जाएंगे।